तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पहले वाला वीडियो है उसका पीछे जो वीडियो था वो पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो देखिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो हमने इसका पहले वाला वीडियो में ऐसे देखा था, अगर कोई नंबर n को अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू इंटू सी टू द पावर आर, तो उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। हमने देखा था पी प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन होता है, और टोटल नंबर ऑफ वार्ड फैक्टर कितना होता है इसमें देखना पड़ेगा। ए बी एंड सी के अंदर कौन सा वार्ड है, जिसका जिसका वार्ड है उसका पावर के साथ वन ऐड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करने पड़ता था। और टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस टोटल नंबर ऑफ वार्ड फैक्टर, इसके बाद आएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर आता है ये फैक्टर को अगर आप सम करेंगे, टोटल फैक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो भी हम लोग देखा था। उसको फार्मूला में ऐसे बोला था जो ए टू द पावर पी प्लस वन माइनस वन ए माइनस वन इंटू बी टू द पावर क्यू प्लस वन माइनस वन बाई बी माइनस वन इंटू सी टू द पावर आर प्लस वन माइनस वन बाई सी माइनस वन, इस बारे में हम लोग बात किए थे। अभी एन को अगर टोटल दो नंबर का मल्टीपल हिसाब इसे हमको लिखना है, मल्टीपल के हिसाब में हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे एन एन हम एग्जांपल में हमारा जो एग्जांपल लिया था ना एन एन का एग्जांपल 60 लिया था, तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 30 लिख सकते हो, तो करेक्ट है। उसके बाद हम 60 × 1 भी लिख सकता हूँ, ऐसे कैस कितना टोटल लिख सकते हैं, 4 × 15 भी लिख सकते हैं। जस्ट दो नंबर होगा तो 16 हैज़ टू बी रिटन, सो 16 हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टोटल कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला ये है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। सो मैं इसको लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई टू। सो क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना होगा। अच्छा ये वाला क्या था, ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स था, नहीं तो बाद में भूल जाओ, सम ऑफ प्रोडक्ट ये था टोटल नंबर ऑफ, ये सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं, ये सम ऑफ फैक्टर्स था, ये था सम ऑफ फैक्टर्स और ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स था, ओके वो भी लिख देता हूँ, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर ये था, ओके। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये कितना होगा, ये होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाई टू। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इवन नंबर है तो वो तो टू से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर इवन नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन। अगर ऑड होगा तो क्या होगा, अगर ऑड होगा इसको वन हम ऐड करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर प्लस वन बाई टू, कब, इफ नंबर्स ऑफ फैक्टर वॉड होगा तो, मतलब ये होगा क्या बोल रहा है, जो एक नंबर तुमको दे दिया एग्जाम में ऐसे आएगा, एक नंबर दे देगा मान लो 60 दे दिया, एक दूसरा कुछ नंबर दे देगा, अभी उसको बोलेगा ये जो 60 है इसको तुम टोटल दो नंबर का प्रोडक्ट का रूप में आपको लिखना पड़ेगा, तो टोटल कितना वे में हम लिख सकते हैं। तो जो नंबर देगा उसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स अगर ऑड है तो उसके साथ वन ऐड करके दो से डिवाइड करना पड़ेगा, वो आंसर आ जाएगा। अगर ऑड नहीं है, अगर इवेन है तो उससे डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सपोज 81 है ना, 81, तो देखो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 इक्वल टू हम लिखेंगे 3 to the power 4, और कुछ नहीं लिख सकते हम, जस्ट 3 to the power 4। तो ये इसमें पी का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, उसके बाद क्या है,
हम तो ऐसे लिखा था ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू इंटू ऐसे लिखता था, कुछ नहीं था खाली ए टू द पावर पी, सो ए टू द पावर पी लिखेंगे। तो ये हो गया 3, इसमें ए हो गया 3 एंड पी हो गया 4, है ना, पी हो गया 4। सो टोटल नंबर ऑफ इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा खाली पी प्लस वन, सो 4 प्लस 1 वो 5 आंसर आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर इसका 5 ही होता है, ठीक है। तो देखो इसका नंबर ऑफ फैक्टर 5 जो है ये हो गया वार्ड, वार्ड हो गया। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस 81 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई 2। व्हाट आई एम लिख नंबर्स ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग 81 एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, समझ रहे हैं ना। ये इंग्लिश देखियो एग्जाम में जो आएगा इंग्लिश में आएगा, तो धीरे धीरे ये जो इंग्लिश टर्म है समझने का कोशिश करना पड़ेगा। जब एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब यही है, 81 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अब कितना प्रकार से लिख सकते हो। सो 81 नहीं, हमको 5 आया पहले, तो 5 प्लस 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा 3। तो ये हम चेक कर सकते हैं, देखो 81 जो है 81 को क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली 81 को हम लिख सकते 1 इंटू 81, ये तो एक हो गया। दूसरा लिख सकते 9 इंटू 9 और लिख सकते 3 इंटू 27, यही लिख सकते, बाकी कुछ नहीं लिख सकते इसको, तो इसलिए आंसर आएगा 3। देखो 1 2 3, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। उसके बाद एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो जो एन जो हमने बोला है उसको अगर दो नंबर का प्रोडक्ट का अगर हम लिखेंगे जिसमें वो दो नंबर का पेयर को प्राइम है, उसका आंसर होता है 2 टू द पावर समथिंग माइनस 1। तो समथिंग जो होता है ना वो समथिंग होता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब समझो इसमें पूरा लिखो। सो नंबर्स ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एज ए प्रोडक्ट ऑफ क्या है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इसका आंसर होता है टू टू द पावर एन माइनस वन, जिसमें एन क्या है वायर, इसके लिए लिखना पड़ेगा वायर एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। जैसे हम 81 का जो एग्जांपल लिया था, 81 का जो एग्जांपल लिया था, तो उस एग्जांपल में हम 81 को हम क्या लिखा है, हम 81 को डायरेक्टली लिख दिया 3 टू द पावर 4। तो खाली ए टू द पावर पी था ना, ए इक्वल टू 3 था, ए इक्वल टू 3 एंड पी इक्वल टू था 4, पी इक्वल टू था 4। तो ए 3 टू द पावर 4 लेगा तो इसमें प्राइम फैक्टर एक ही था, वो था 3, प्राइम फैक्टर एक ही था, करेक्ट, और वो था 3। तो यार प्राइम फैक्टर कितना था, एक था ना, तो उसके लिए एन इक्वल टू 1 आ जाएगा, एन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हो गया, तो इसको टोटल कितना हम लिख सकता है, टोटल कितना प्रकार में हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। तो फॉर्मूला में अगर हम लिखो तो 2 टू द पावर n-1 आ जाएगा, 2 टू द पावर 1-1 आ जाएगा, 2 टू द पावर 0 1 आंसर आएगा 1, और 1 के खाली 1 इंटू 81, यही हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एंड 81 जो है एक को प्राइम पेयर है ना, बिकॉज इसका GCD 1 है, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट क्लास में बात किया था। इसको अगर 9 इंटू 9 लिखोगे तो नहीं आएगा, बिकॉज इसका GCD 9 आ जा रहा है, तो नहीं होगा। और 3 इंटू 27 भी नहीं लिख सकता, बिकॉज इसका भी GCD जो है ये 3 आ जाएगा, तो ये तो अलाउड नहीं, तो आंसर इज 1।
ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होने के बाद एक क्लास को हम ख़त्म करेंगे। वो ऐसे है कि नंबर ऑफ को प्राइम, कोई पर्टिकुलर नंबर अगर आपको दे दिया गया तो बोलेगा उस नंबर का को प्राइम नंबर कितना कितना होगा जो उससे कॉम है। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है जो को प्राइम नंबर, नंबर ऑफ को प्राइम्स विच इज़ लेस देन है ना, नंबर्स ऑफ को प्राइम नंबर, नंबर्स ऑफ को प्राइम नंबर ऑफ एन, एन का को प्राइम नंबर हमको निकलना है, लेस देन, जो लेस देन एन, जो लेस देन एन ये कितना है, ये कितना है। इसका फॉर्मूला है, पहले एन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद वन माइनस वन बाई ए, वन माइनस वन बाई बी, वन माइनस वन बी, ए बी सी क्या है, ए बी सी जो पहले बताया था उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इसे, वो ए बी सी। तो क्या बोला, जैसे 60, एन इक्वल टू 60 बोला, तो आपको क्या निकलना पड़ेगा, एन इक्वल टू 60, तो एन इक्वल टू 60 आपको गिवेन है। अभी आपको देखना पड़ेगा जो 60 का को प्राइम कितना है, एक इफ़ ए नंबर इज गिवन टू यू वेदर दैट इज को प्राइम टू 60 और नॉट। को प्राइम टू 60 और नॉट मतलब क्या है, जैसे मान लो एक नंबर दिया 4, तो तुमको बोलेगा अच्छा भाई ये 4 जो है 60 का को प्राइम है क्या, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास अभी दो नंबर है 60 एंड 4, तो देखेगा ये को प्राइम पेयर बन गया, ये पेयर का जी सी डी आ रहा है 4, 4 इसका जी सी डी है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक, तो इसका मान लो 29 दिया, 29 तो पेयर बनेगा 29,60, ये जो पेयर है ये को प्राइम बनेगा। तो 1 से लेके 60 तक टोटल जितना नंबर आता है इसे कितना को प्राइम का पेयर बनता है, इसलिए इसको बोला है तो लेस देन एन, लेस देन एन, लेस देन 60 है। ठीक है, मतलब 1,60 एक पेयर हो, 2,60 एक पेयर हो, 3,60 एक पेयर हो, है ना, 4,60 ऐसे कितना पेयर होता है को प्राइम का, को प्राइम ये इसको आपको निकलना है। तो देखिए 3,60 नहीं होगा, 2,60 नहीं होगा, 4,60 नहीं होगा, 1,60 होगा, है ना, तो इसका टोटल कितना होगा उसका फॉर्मूला ऐसे है। तो हम निकालते हैं ऐसे वाला, ये डिलीट कर देते हैं इसको, और 60 को पहले हमको लिखना पड़ेगा जो फॉर्मूला था उसी के हिसाब से, ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर पी, उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो लिख लेता है 60 इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 8 इंटू 5 टू द पावर 1, तो इसमें ए इक्वल टू 2 आ गया, बी इक्वल टू 3 आ गया, एंड सी इक्वल टू आ गया 5 ऐसे। और पी, पी कितना आ गया, पी हो गया 2, ए टू द पावर पी था ना, क्यू आ गया 1 एंड आर आ गया 1, ऐसे आ गया। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला में पी क्यू आर इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ए बी सी से हो जाएगा। और आंसर कितना होगा इसका, इसका आंसर कितना होगा, 60 इंटू 1 माइनस 1 बाई ए, सो 1 माइनस 1 बाई मतलब 1/2 इंटू 1 माइनस 1 बाई बी, बी मतलब 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई सी मतलब 1 माइनस 1 बाई 5, ये होगा आंसर। सो कितना होगा, 60 इंटू 1/2 इंटू इसको 2/3 इंटू 4/5 ना, 4/5, सो कितना होगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15 इंटू 30, 30 और 60 में क्या होगा, 60 को 30 से डिवाइड करना 2 होगा, तो आंसर होगा 4 इंटू 2 इंटू 2, सो 8 इज द आंसर। समझ गया होगा, ये हम लोग प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे एक एक करके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और दो चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ तो आपका और भी अच्छा होगा। देखिए जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल क्या होता है, एक चीज़ इसको बोलता है फैक्टोरियल, है ना। एक काम करता हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, बिकॉज फैक्टोरियल एक नया कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।